नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, जो बाहर के पेशेंट है, जो आ नहीं सकते, वो मुझसे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में युवाओं में स्पेशली उनके जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उनके खान पान के कारण या उनके एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण या बचपन की गलतियों की वजह से एक्सेसिव मास्टरबेशन या हस्त मैथुन के कारण और भी कई कारणों की वजह से पुरुषों में आज के समय में इम्पोटेंसी या नपुंसकता बहुत हद तक बढ़ गई है और उससे काफी पुरुष हम लोग देखते हैं कि काफी हद तक ग्रसित हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों में बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं, बहुत या जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजेकुलेशन हो जाता है, या उनके पेनिस में प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो पाता है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार है। अगर आपकी एज बढ़ रही है और एज के साथ साथ आपको अगर ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, इसके साथ साथ अगर आपको नाइटफॉल हो जाता है या आप जब यूरिन या आप स्टूल के लिए जाते हैं तो आपको वीर्य या सीमन आपका डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको स्पर्मेटोरिया बोलते हैं, या आपको नाइटफॉल बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आपको सेक्स में डिजायर कम हो जाती है, इसको की बोला जाता है लो लिबिडो या लॉस ऑफ लिबिडो अगर हो गया है, क्या सेक्स में रुचि खत्म हो गई है, या आपको जननांगों में शिथिलता आ गई है, उनमें आपको जननांगों में लगता है कि जननांग ठंडे हैं, या आपको लगता है कि सेक्स के दौरान थोड़ा सा आपको पेन हो रहा है, अगर इस तरह की कंडीशन है, या आपको कई दफा यह भी देखने को मिलता है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी का, शादीशुदा लाइफ का आप उसको भरपूर आनंद नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन आपकी कमजोरी की वजह से, सेक्सुअल वीकनेस की वजह से खतरे में है, या आपको लग रहा है कि आपकी शादी होने वाली है। अक्सर मेरे पास इस तरह के भी पेशेंट काफी आते हैं दोस्तों, जिनको कि अब वो बोलते हैं कि साहब मुझे शादी होने वाली है लेकिन मुझमें सेक्सुअल वीकनेस काफी आ गई है, मैं अपनी शादी को कामयाब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस तरह की अगर कमजोरी आ गई है तो उसके लिए मैं आपको दोस्तों आज एक इस तरह का एक पेटेंटेड होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जो आपको इस तरह की कोई भी अगर आपको कमजोरी है, सेक्सुअल वीकनेस है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या आपको प्री मैच्योर इजेकुलेशन है, या आपकी सेक्स में रुचि खत्म हो गई है, तो उसमें काफी कारगर और काफी सफल है। दोस्तों, इसका नाम है डेमिया प्लांट। दोस्तों, डेमिया प्लांट एक जर्मन होम्योपैथिक कंपनी जिसका की नाम है डॉक्टर विल्मर स्वाबे, उसका एक प्रोडक्ट है और यह इस तरह की सेक्स रिलेटेड कोई भी वीकनेस हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। यह एक सेक्सुअल बूस्टर की तरह काम करती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब कभी भी इस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें तो हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके साथ साथ और भी काफी कुछ मेडिसिन होती है जो कि एज पर योर इंडिकेशन और आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेमिया प्लांट के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है। दोस्तों, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला जो मुख्य कंटेंट है वो होता है इसमें डेमियाना। दोस्तों, डेमियाना सेक्स से रिलेटेड कोई भी तरीके अगर वीकनेस है, चाहे वो स्पर्मेटोरिया हो, चाहे धातु गिरना हो, चाहे आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या आपको सेक्स में रुचि खत्म हो गई है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी देखा गया है कि अगर आपके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है, यानी स्पर्म काउंट कम है, या स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए डेमियाना बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अगली जो दवा है, इसके अंदर जो कंपोजिशन डाला है वो है जिंसेंग। दोस्तों, जिंसेंग ओवरऑल एक हेल्थ बहुत अच्छा एक दोस्तों जिंसेंग ओवरऑल एक बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, यदि आपके सेक्सुअल वीकनेस के साथ साथ आपको शरीर में भी आपको काफी थकावट फील होती है, जब आप सेक्स करते हैं, सेक्स के बाद में आपको बिल्कुल थका थका सा महसूस होता है, आपका बॉडी एक रहता है, आपका शरीर दर्द करता है, आपको किसी करने में काम में मन नहीं लगता है, और तो इस तरह की कोई कंडीशन है तो वहां पर जिंसेंग बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एजेड हैं थोड़े से और आप में सेक्सुअल वीकनेस आ गई है तो उसके लिए भी जिंसेंग बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ दोस्तों, अगर आपके शुक्राणुओं की संख्या कम है, या आपके जो शुक्राणु की मोटिलिटी नहीं है, आपका सीमन जो है उसका वो प्रॉपर नहीं है, वीर्य प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है, तो उसको भी इंप्रूव करने के लिए जिंसेंग बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अगला जो इसके अंदर कंपोजिशन है वो है एग्नस कास्टस। दोस्तों, एग्नस कास्टस में बिल्कुल इंपोर्टेंसी आ जाती है, आपको बिल्कुल इरेक्शन नहीं होता है, सेक्सुअली काफी वीक हो जाते हैं आप, इसके साथ साथ आपको सेक्स में इच्छा भी खत्म हो जाती है। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स या आपका पेनिस या आपके लिंग में बहुत ठंडापन आ जाता है, आपके टेस्टिस में काफी ठंडापन आ जाता है, उनमें वीर्य में उनके कमी आ जाती है, या उनको सीमन भी प्रॉपरली नहीं बन पाता है, बिल्कुल जब कहां पे कंप्लीट इंपोर्टेंसी आ जाती है वहां पर एग्नस कास्टस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अगली जो दवा है वो इसके अंदर है न्यूफिल लूटिया। दोस्तों, न्यूफिल लूटिया स्पेशली जो काम करती है उसका होता है कि आपको जो सेक्सुअल डिजायर अगर आपकी कम हो जाती है, आपको लिबिडो में कमी आ जाती है, या सेक्स में रुचि खत्म हो जाती है, तो वहां पर न्यूफिल लूटिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आपके जो सेक्सुअल डिजायर के साथ साथ आपको सेक्सुअल वीकनेस अगर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या किसी तरह की आपके सेक्स रिलेटेड कमजोरी है, या स्पर्मेटोरिया है, तो उसको भी इंप्रूव करने में न्यूफिल लूटिया बहुत अच्छा काम करती है।
दोस्तों अगली जो दवा इसके अंदर कंपोजिशन में है वो है म्यूरिया प्यूमा। दोस्तों म्यूरिया प्यूमा भी आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, आपकी सेक्स में रुचि को इंप्रूव करता है और इसके साथ साथ सेक्स से रिलेटेड आपकी कोई कमजोरी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको भी इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। दोस्तों ये इसके कुछ कंपोजिशन है जो आपकी सेक्स से रिलेटेड कोई भी कमजोरी होती है या कोई भी तरह की डिसफंक्शन होता है उसको दूर करने में काफी मददगार और काफी हेल्पफुल साबित होता है। दोस्तों अब हम अगर बात करें इसकी एमआरपी क्या है, तो जो मेरे पास पैक अवेलेबल है दोस्तों उसकी एमआरपी है, मैं आपको बता देता हूं, 369 है और इसकी पैकिंग जो है वो 30 ml में मार्केट में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि डेमिया प्लांट को किस तरह से लिया जाए, आपको किस तरह से लेना है। दोस्तों इसको लेने का जो तरीका होता है वो वही होता है जैसे आपको इसको बॉटल को ओपन करने के बाद में आपको इसको ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको एक खाली कप लें, खाली कप में आप आधा कप पानी लें, आधा कप पानी जो होता है वो गुनगुना होना चाहिए और इसके अंदर आप 15 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी होती है, सुबह दोपहर और शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ और इसको हल्का सा हिलाकर आप धीरे धीरे सिप बाय सिप लें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों ये कुछ जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर की डेमिया प्लांट के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।